हाय गाइस, आज का लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर्ड एक्ट। मेरा नाम है नमन शर्मा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेगुलेटिंग एक्ट पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया हुआ था। इसे रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बोले जाता है क्योंकि इस एक्ट से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था। मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंटरफेरेंस इंडिया में स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो और इससे पहले जो हुआ था कि तीन प्रेसिडेंसी थी, तीन मतलब स्टेट थे इम्पोर्टेंट, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब जो गवर्नर बंगाल था और इन तीनों प्रेसिडेंसी के तीन गवर्नर थे, मगर इस एक्ट से जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया गया, उसकी पोजीशन को एनहांस कर दिया गया और गवर्नर ऑफ बंगाल की जो नाम था उसको आगे लगा दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बाकी थे वो सबॉर्डिनेट हो गए क्योंकि मद्रास और बॉम्बे इसके सबॉर्डिनेट हो गए। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने। जो ये जो मैनेजमेंट और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिसाइड किया था ये लॉर्ड नॉर्थ ने किया था, जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट थे। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया। आप इस सुप्रीम कोर्ट को आपके सुप्रीम कोर्ट से या 1935 में जो मैं सुप्रीम कोर्ट लाया था उससे नहीं करेंगे क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट का इंडियन सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट से ब्रिटिश सब्जेक्ट जो ब्रिटिश मेंबर्स थे इंडिया में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके लिए स्टेब्लिश किया गया था क्योंकि इंडिया के लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से डिग्रेडिंग थे, वो मैच नहीं करते थे उनके स्टैंडर्ड से। तो वो इंडिया ब्रिटिश सब्जेक्ट को ब्रिटिश लॉ से ही ट्रीट करना चाहते थे। और इस लॉ जो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था इससे क्या करा गया, जो कंपनी के जो सर्वेंट थे उनकी प्राइवेट ट्रेड को बैन कर दिया गया कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे, गिफ्ट्स नहीं ले सकते थे नेटिव से, मतलब ब्राइब वगैरह नहीं ले सकते थे जिससे कंपनी के रेवेन्यूज पर इफेक्ट नहीं पड़े और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली काम कर सके। और जो कंपनी को एक और काम किया गया, जो उनका रेवेन्यू मिलिट्री जो पेपर वर्क है सिविल मैन रेवेन्यू और मिलिट्री पेपर वर्क वो गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता। एक फोर मेंबर काउंसिल स्टेब्लिश करी गई गवर्नर जनरल के अंडर। उन गवर्नर जनरल के अंडर जो फोर मेंबर काउंसिल थी उसका काम था ये सब चीजों को मैनेज करना। जो फर्स्ट फोर मेंबर काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे उनका नाम था जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसून, फिलिप और रिचर्ड बैरवेल। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहले मेंबर ऑफ काउंसिल था, ये पहले रेगुलेटिंग एक्ट का काम था। अब डायर की इंट्रोड्यूस हो गई 1784 के एक्ट से जिसे पिट्स एक्ट कहते हैं। इसे पिट्स एक्ट क्यों बोलते हैं, उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पिट्स, इसलिए इस एक्ट का भी नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इस एक्ट से डायर की इंट्रोड्यूस करी गई। अब डायर की पूछेंगे डायर की क्या होता है, डायर की टू सेट्स ऑफ फंक्शनरीज होती हैं, मींस टू सेट्स ऑफ पावर। सपोज पावर ए है पावर बी है, तो ये दो इंडिपेंडेंट पावर हाउस होती हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। ए को कुछ सेट्स ऑफ फंक्शंस मिलेंगे, बी को कुछ सेट्स ऑफ फंक्शंस मिलेंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली उन सेट्स ऑफ फंक्शंस पे काम करेंगी। इसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 1773 के एक्ट में जिससे चार थी उसका नंबर रिड्यूस करके तीन ला दिया गया, और जो दो और सेट्स ऑफ फंक्शंस हमने बनाए थे उनका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के अफेयर्स देखने, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को पावरफुल बॉडी थी, इसको पॉलिटिकल रेवेन्यू वगैरह सारे अफेयर्स जो थे फाइनेंशियल रेवेन्यू मिलिट्री पॉलिटिकल अफेयर्स ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के छह मेंबर्स थे। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक और रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1793 जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट। इस एक्ट को चार्टर एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक चार्टर रिलीज किया जाता था 20 साल के लिए, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट रिलीज करती थी ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन कि आपको 20 साल के लिए कंपनी को ये अफेयर्स मैनेज करने के लिए चार्टर रिलीज किया गया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए। तो ये चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चार्टर सबसे इम्पोर्टेंट चार्टर एक्टों में से एक है। इसमें क्या हुआ था, इंग्लिश कंपनीज जो ब्रिटेन में एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, उस वक्त बहुत सारी कंपनियां थी जो पूरी दुनिया में ट्रेड करती थी, मगर इंडिया की जो मोनोपोली थी वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, मगर बाकी जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो भी चाहती थी कि वो इंडिया के ट्रेड में इन्वॉल्व हो, वो चाहती थी कि पॉलिसी ऑफ लजीज फेयर इम्प्लाई हो
पॉलिसी ऑफ लजीज फेयर कहती है कि फ्री ट्रेड हो, कोई इंटरफ्रेंस नहीं हो गवर्नमेंट का। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जो नेपोलियन था उसने बाकी यूरोपियन ट्रेड को इफेक्ट किया था, और जो बाकी इंग्लिश कंपनियां थी जो भारत की यूरोप में ट्रेड करती थी उनकी ट्रेड को इफेक्ट हुआ था, सो वो इंडिया में ट्रेड करना चाहती थी। तो इस एक्ट से जो मोनोपोली थी ट्रेड की इंडिया की, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो खत्म कर दी गई, और से वो चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी, और ट्रेड में जो मोनोपोली थी वो रह गई। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेन पावर हाउस था इंडिया में उस वक्त, उसको पावर और एनलाइज कर दी गई। इस एक्ट की जो इम्पोर्टेंट खासियत थी कि 1,00,000 रुपए एजुकेशन के लिए सेट असाइड रखेगा, मतलब 1,00,000 रुपए एजुकेशन पर हर साल कंपनी खर्च करेगी। ये पहली बार हुआ कि कंपनी ने एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझा। और जो लेजिस्लेशन जो मतलब काउंसिल जो थी वो जो भी लॉ पास करती थी उसको पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रूवल इम्पोर्टेंट था। इस एक्ट से क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंडिया में आकर अपना धर्म प्रचार करने के लिए, स्कूल खोलने के लिए अलाउमेंट मिल गया। इसके बाद जो एक्ट आता है 20 साल बाद, जैसे मैंने बताया था हर एक्ट 20 साल बाद आता है, उसको एक्ट को बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसमें इस एक्ट में जो क्या हुआ था, जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो टेरिटरीज थी इंडियन टेरिटरीज वो क्राउन के रेम में रूल करी जाएंगी, और जो कंपनी की मोनोपोली थी जो हम पहले बताए थे 1813 में एड हो जी चुकी थी मगर चाइना के साथ और टी के साथ, इस एक्ट में वो भी एंड कर दी गई। मतलब जो कंपनी फ्री ट्रेड कर सकती है कोई भी कंपनी किसी भी फील्ड में। और जो गवर्नर जनरल की पोजीशन थी 1773 में जो क्रिएट की गई थी बंगाल की, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्रिएट कर दिया गया, मतलब और एनहांस कर दिया गया। मतलब क्या होगा, बॉम्बे ऑफ जो बॉम्बे और आपका मद्रास था उसकी पावर और बिल्कुल खत्म कर दी गई, और विलियम बेंटिक सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। एक लॉ मेंबर और काउंसिल में ऐड कर दिया गया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया, उनका नाम था मैकॉले। ये लॉर्ड मैकॉले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके एजुकेशन में भी रोल है, आगे मैं बताऊंगा। और ये पहले लोक जना था जिन्हें कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, इंडियन लॉ को कोडिफाई किया था जिससे वो इम्प्लाई हो सके। सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनकी ही देन है। बाद में इंडियन सत्येंद्र प्रधान सेना 1909 के काउंसिल एक्ट में लॉ मेंबर बनते हैं, जो एग्जीक्यूटिव, और ये पहले इंडियन होते हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुने जाते हैं 1909 में। 1853 ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लास्ट चार्टर एक्ट था, इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया था। ये 1857 से पहले की लड़ाई का चार्टर एक्ट है। इसमें कंपनी की जो इसमें पहली बार कहा गया था कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में टेरिटरी होल्ड कर रही है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो बिल्कुल रिड्यूस कर दी गई। जो हम जानते हैं कि हर एक्ट के साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर रिड्यूस करती जा रहे हैं और उनकी पावर रिड्यूस करते जा रहे हैं, पावर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एनहांस होती जा रही है इंडियन अफेयर्स में। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया, मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की गई, और जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो नॉमिनेट होते थे, कोई इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं था। इसलिए इसके बाद जो भी एक्ट आएंगे क्योंकि काउंसिल फॉर्म हुई है उसको काउंसिल एक्ट बोला जाएगा, और जो ये लॉ जो काउंसिल पास करती थी उस लॉ को गवर्नर जनरल का अप्रूवल इम्पोर्टेंट था। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट एक्ट 1858, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1857 के विद्रोह जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जो टाइटल वीडी सरवारकर ने दिया था, बैटल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस, इसलिए उसके बाद आया गया बैटल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस 1857 के बाद। कंपनी के थी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो हिल गई थी कि कैसे इतना बड़ा विद्रोह हो चुका है, वो नहीं चाहते थे कि कैसे बिल्कुल भी इंडिया को छोड़ा जाए, और वो डर गए थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कराया जाए डायरेक्टली। कंपनी जो इंडिया के अफेयर्स है क्राउन पे ट्रांसफर कर दिए, कंपनी की पोजीशन खत्म कर दी गई। कंपनी जो टेरिटरी होल्ड कर रही थी क्राउन के नाम पर डायरेक्टली कंपनी को बीच में से हटा दिया गया, और क्राउन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया इंडिया की टेरिटरी को होल्ड करने में। इसलिए एक पोजीशन बनाएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर थे। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर है भाई, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होके, और इनकी 15 मेंबर काउंसिल थी, ये ब्रिटेन में बैठ के इंडिया की अफेयर्स को मैनेज करते थे,
और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन थी उसको हटा के उसकी जगह वाइस रॉय की पोजीशन बना दी गई। अब ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 1784 के एक्ट में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट में ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उसको खत्म कर दिया गया और क्राउन रूल स्टार्ट हो चुका था। आपको हमारा मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट लाइक बटन और कमेंट योर क्वेरीज एंड डाउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।